नमस्कार, मैं रवि शुक्ला, केआरसी टाइम्स के हिंदी प्राइम टाइम में आपका स्वागत है। साइबर हमले के डर से अमेरिका में विमान सेवा निलंबित। मुसलमानों को इस देश में सुरक्षित रहना चाहिए, लेकिन अपने आप को सर्वश्रेष्ठ मत समझो, आरएसएस प्रमुख ने कहा। बिहार की जातिगत जनगणना को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती। अमेरिका में हवाई सेवा ठप हो गई है, क्या यह साइबर हमले की वजह से है? पूरे अमेरिका में चल रहा है यह अटकलबाजी। हालांकि अमेरिका प्रशासन ने कहा कि ग्राउंड में एक यांत्रिक प्रोसेसिंग त्रुटि के कारण, साइबर हमले कारण नहीं। सैकड़ों अमेरिकी हवाई अड्डों पर कतार में खड़े हैं, विमान खड़ा है, सभी उड़ानें रद्द कर दी गई हैं, जो अमेरिका के इतिहास में कभी नहीं हुआ। एक खास सूत्र का दावा है कि साइबर अटैक के डर से फ्लाइट सर्विस सस्पेंड कर दिया गया है। भारतीय मुसलमान निश्चित रूप से देश में सुरक्षित रहें, अपने धर्म का पालन कर सकते हैं, लेकिन हम सबसे अच्छे हैं, हमने एक बार शासन किया और फिर करेंगे, इस रवैये को त्यागना होगा। इस पर टिप्पणी करते हुए आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने कहा, भारत में मुसलमान अपने धर्म का पालन कर सकेंगे, उनके पास सभी अधिकार होंगे, उन्हें सबके साथ मिलजुल कर रहना चाहिए। मैं सबसे अच्छा हूँ, सब कुछ सबसे अच्छा है, मुझमें यह रवैया नहीं होना चाहिए। बिहार के जाति आधारित जनगणना पर लोगों के विरोध पर सुप्रीम कोर्ट में मुकदमा दायर किया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने इस दलील को स्वीकार कर लिया। याचिकाकर्ता के मुताबिक ऐसी जनगणना सिर्फ केंद्र सरकार ही कर सकती है और राज्य सरकार को ऐसा करने का वो कोई अधिकार नहीं है। याचिका में दावा किया गया है कि हाल ही में बिहार सरकार ने बिहार जातिवार गणना शुरू की है। इस मांग को लेकर एक बार फिर नीतीश कुमार और राजद नेता तेजस्वी यादव प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिले थे। नीतीश कुमार उस समय बीजेपी के गठबंधन सहयोगी थे। इस हिसाब से अब बिहार की राजनीति में भूचाल आ गया है। हालांकि राज्य सरकार ने कहा है कि यह केवल जातीय डेटा एकत्र करने के लिए किया जा रहा है। जम्मू कश्मीर में बुधवार सुबह दर्दनाक हादसा हुआ। बर्फ से ढकी सड़क से गुजरते समय भारतीय सेना का विमान नियंत्रण खो बैठा और खाई में गिर गया। एक अधिकारी समेत तीन जवानों की जान चली गई। सेना का वाहन आम दिनों की तरह आज सुबह कुपवारा माचल सेक्टर में पेट्रोलिंग के लिए जा रहा था, लेकिन तीनों सिपाही काम पर जाने के बाद वापस नहीं आए। भारतीय सेना के चीनी कोर ने ट्वीट कर कहा है कि रूटीन पेट्रोलिंग के दौरान वाहन सड़क के किनारे गहरी खाई में गिर गया। एक जूनियर कमीशन अधिकारी और दो अन्य जवान की जान चली गई। सरकार 2 साल तक असम में प्राथमिक या माध्यमिक टेट परीक्षा आयोजित नहीं करेगी। इसके बजाय सरकार राज्य के शिक्षा विभाग में नौकरियों के लिए आवेदन करने के लिए सीआईटी परीक्षा में सफल होने वाले उम्मीदवारों को अवसर देगी। उन्होंने टिप्पणी की कि चूंकि सीआईटेट परीक्षा साल में 2 बार आयोजित की जाती है, इसलिए इस मामले में उम्मीदवारों को अधिक अवसर मिलेंगे। मंत्री के इस ऐलान का विभिन्न संगठनों ने अभी से विरोध करना शुरू कर दिया है। असम में चौथी बार शिक्षा के क्षेत्र में 3 चरणों में गुणोत्सव का आयोजन किया जाएगा। पहला चरण 18 जनवरी से 21 जनवरी तक, दूसरा चरण 1 फरवरी से 4 फरवरी तक और तीसरा चरण 15 फरवरी से 4 फरवरी तक आयोजित किया जाएगा। शिक्षा मंत्री डॉक्टर मनोज पेगू ने कहा कि बाराघाटी के 3 जिलों करीमगंज, हैलाकंद और कछार में महोत्सव 3 चरणों में आयोजित किया जाएगा। दिल्ली में टाइम्स ऑफ इंडिया के दफ्तर में आग लगने से अफरा तफरी मच गई।
इस बिल्डिंग में बुधवार दोपहर करीब 2:15 बजे आग लग गई। खबर मिलते ही दमकल की 6 गाड़ियां वहां पहुंच गई। भवन खाली कराकर फायर ब्रिगेड अपना काम शुरू किया। चौथे मंजिल के कमरे में आग लग गई। आग लगते ही मजदूरों में भगदड़ मच गई। खबर पाकर दमकल की 5 गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग बुझाने में जुट गई। बाद में वहां उनकी सहायता के लिए और भी गाड़ी बुलाई गई। रेलवे बोर्ड ने कछार जिले में चंद्रनाथपुर से अरुणाचल जंक्शन तक एक नई रेलवे लाइन के निर्माण के लिए सर्वेक्षण का मंजूरी दे दी है। प्रमुख पत्रकार ZRUCC के सदस्य हिरेन डे को रेलवे सूत्रों ने बताया कि सर्वे का काम अगले 2 से 3 महीने में शुरू कर दिया जाएगा। इस संदर्भ में सामाजिक संस्था डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी मेमोरियल इंटरेस्ट प्रोटेक्शन काउंसिल के अध्यक्ष हरेन डे ने पत्रकारों को बताया कि परिषद पिछले कुछ वर्षों से पहली बार चंद्रनाथपुर से मैनार बांध तक नई रेल लाइन बनाने की मांग कर रही है। रेलवे विभाग द्वारा अरुणाचल के विकास को देखते हुए परिषद के बाद चंद्रनाथपुर से अरुणाचल जंक्शन तक रेलवे लाइन बिछाने की मांग की गई थी, जिसे रेलवे बोर्ड ने मंजूरी दे दी है।